EMRS ज्वाइनिंग लेटर कब तक, बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल चुका है, लेकिन आप इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि सर हमें लोकेशन कब और कहां मिलेगी, हमें ज्वाइनिंग आखिर की में कब मिलेगी। साथियों, ज्वाइनिंग से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है वो उन पर मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि उनको लेकर कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। जैसे वो कौन कौन सी बातें हैं, तो एक तो है साथियों मेडिकल की, एक है पुलिस वेरिफिकेशन की, एक है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, और फिर एक ज्वाइनिंग लेटर का मुद्दा तो है ये, और उसके बाद NOC। NOC में दो तरह के विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय परमानेंट वाले, तो किसको NOC बनवानी चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेकर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, लेकिन आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको EMRS से संबंधित पूरी अपडेट इसी चैनल पर मैं देता रहूंगा। आइए देखिए साथियों, मेडिकल की क्या प्रोसेस है, क्या फॉर्मेट में आपको बनवाना पड़ेगा। तो आपको कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं मिलेगा, लेकिन आप जैसे ही CMO जाओगे, मतलब आप हॉस्पिटल में जाओगे, तो वहाँ पर आपकी एक पर्ची कटेगी, लगभग वो 350 रुपये की होगी, जिसमें तीन तरह की जांचें लिखवाई जाएंगी, ठीक है। और तीन तरह की जांचें, कोई ऐसी बड़ी जांच आपसे नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि आप टीचर बनने को है, तो कोई ऐसी खास जांच आपसे नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि प्रोसेस है, इसलिए इसको पूरी करना जरूरी है। तो वो जांच आसानी से हो जाएगी, आई वीक भी है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से करवा सकते हैं। और ये मेडिकल की प्रोसेस एक दिन की होती है, एक दिन में ये मेडिकल की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, और अगर EMRS के फॉर्मेट में आपको मिलता है तो उसमें बनवा सकते हैं, लेकिन वो वहाँ से वो खुद बना के देंगे, उसकी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए साथियों आपको ऑनलाइन सबसे पहले ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको 10वीं की मार्कशीट, अपना फोटो, आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको ले जाने के बाद वहाँ पे भी एक पर्ची आपका जो है चालान कटेगा, 350 के लगभग इतना चार्ज लगेगा। वहाँ के बाद आपको थाने में जाना पड़ेगा, थाना में आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, आपको दो गवाह के आधार कार्ड लेके जाने पड़ेंगे, उसके बाद आपको अपने फोटो ID वगैरह जो है वो तो जाते ही है, दो गवाह इसलिए लेके जाने होते हैं कि साथियों आपके खिलाफ कोई केस दर्ज तो नहीं है, उनसे इस चीज़ को लिखवाया जाता है, ठीक है, तो वो लेके जाना है। और उसके बाद जैसे ही आपने ऑनलाइन करवा दिया, दो दिन की प्रोसेस होती है, उसके बाद आपको जिस जगह आपने ऑनलाइन करवाया वहीं से आपको ऑनलाइन ये पुलिस वेरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है, दो दिन की प्रोसेस होती है, आप तभी वो बनवा सकते हैं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस समय आपका ज्वाइनिंग लेटर का ऑर्डर आए तब आप बनवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगला है साथियों कैरेक्टर प्रमाण पत्र की बात करते हैं, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट की मैं बात करूं तो ये आपको तीन बनवाने पड़ेंगे, दो मजिस्ट्रेट ऑफिसर के बनवाने पड़ेंगे, एक आपको सरपंच का बनवाना पड़ेगा। इनको बनवाने के बाद या फिर एक ऐसा बनवाना पड़ेगा आपके लास्ट कॉलेज का बनवाना पड़ेगा, जिस कॉलेज में आपने लास्ट जो है आपने कंटिन्यू रहे थे वहाँ से आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा। उसके बाद बात कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिलेगा सर, तो साथियों ज्वाइनिंग लेटर की प्रोसेस चल रही है, हर दिन EMRS नए नए अपडेट ला रहे हैं। अब बस लास्ट जो आपके लिए जो चीज़ें बची है वो है आपका ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग लेटर जल्द आ जाएगा। उसके बाद NOC की अगर मैं बात करूँ तो NOC साथियों कुछ विद्यार्थी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो जॉब कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें भी NOC लेने की ज़रूरत है क्या, तो साथियों जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब कर रहे हैं उन्हें NOC की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय परमानेंट है उन्हें NOC लेने की ज़रूरत है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई हो तो जय हिंद।